हैं मुलाकात से पहले, क्या की पॉइंट है आपके? की पॉइंट यही है कि मणिपुर को अनदेखी किए गए हैं, सूबे की सरकार, केंद्र की सरकार बिल्कुल अनदेखी करने के चलते आज मणिपुर की हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जल्द से जल्द यहाँ शांति बहाल हो, सौहार्द को फिर दोबारा वापस लानी हो, सौहार्द बनाए रखना जरूरी है, और खासकर पीस, हारमोनी एंड जस्टिस इसको बनाए रखने का काफी जरूरी है, यह मैं समझता हूँ। और हम गवर्नर साहब को यही मांग करूंगा कि हर संभव प्रयास शुरू कर दीजिए, हर पहल अब शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मल सी मतलब सामान्य स्थिति बहाल हो, यही हमारा मांग है। नहीं, ऐसा नहीं, रेजिग्नेशन की मांग नहीं, हम लोग ये फेल्योर तो बताया जी, यहाँ की सरकार की कंप्लीट फेल्योर है, ये फेल्योर है यहाँ की सरकार की, केंद्र सरकार की, सारे फेल्योर है, सारे गलती के चलते आज मणिपुर की यह हालत हुई है। कांग्रेस शुरू से मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते रही है, इसका मतलब तो ही है, इसका मतलब तो ही है ना कि यहाँ फेल, कौन फेल कर रहे हैं? सूबे की सरकार। हम कहते हैं कि इफेक्टिव मेजर लिया करो, मतलब तो ही होते हैं।